हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कनेक्शन। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि ESIC एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं उन सब में भी ये पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। अ पर्सन हु ड्राइव्स अवर मोटर कार्स, जो हमारे मोटर कार को ड्राइव करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शोफर। शोफर एक प्रोफेशनल ड्राइवर होता है जो दूसरों के लिए उनकी कार चलाने वाली नौकरी करता है। ये प्रोफेशनल होता है इसीलिए इसको जस्ट हम शोफर कहते हैं। ऑप्शंस में है ड्राइवर, कंडक्टर और लिफ्ट ऑपरेटर, ये जनरल वर्ड हुए। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो है शोफर। अगला जो सेंटेंस है, द हेड मास्टर ब्रॉट बैक टू माइंड द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ द स्कूल। तो ब्रॉट बैक टू द माइंड मतलब होता है किसी पुराने अनुभव की बातें करना या यादें ताज़ा करना। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा कि हेडमास्टर ने जो स्कूल ने जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स किया था उसकी यादें ताज़ा कर दी उन बातों को बताकर। तो इसमें ऑप्शंस में दिए हैं रिमेम्बर्ड, रिमाइंडेड, रेमिनिस्ट एंड रिकॉल्ड। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो होगा रेमिनिस्ट। रेमिनिस्ट का अर्थ होता है यादें ताज़ा करना, स्मरण करना या अपने पुराने अनुभव को बताना। अगला जो सेंटेंस है वो है लैक ऑफ फीलिंग, जिसमें भावना की कमी हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एपैथी। एपैथी यानी होता है उदासीनता या बेपरवाह। ऑप्शंस में है इम्पैथी। इम्पैथी का अर्थ होता है सहानुभूति, वहीं सिंपैथी और पिटी का अर्थ भी होता है सहानुभूति। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो होगा एपैथी, उदासीनता। अगला जो सेंटेंस है वो है एक्सीडेंटल गुड फॉर्च्यून, आकस्मिक जो लाभ होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फ्लूक। फ्लूक यानी होता है तुक्के से जहाँ लाभ मिल जाता है या अनायास सफलता जहाँ मिल जाती है वहाँ पर हम कहते हैं फ्लूक। ऑप्शंस में है सिरेंडिपिटी। सिरेंडिपिटी का भी अर्थ होता है आकस्मिक लाभ। फ्लूक और सिरेंडिपिटी में बहुत थोड़ा सा ही अंतर होता है। अगला जो सेंटेंस है, शॉर्ट स्पीच और पोएम गिवन एट द एंड ऑफ द प्ले और बुक, बुक और प्ले के अंत में देने वाले स्पीच को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उपसंहार यानी ईपीलॉग। तो फर्स्ट नंबर इज़ द राइट आंसर। ऑप्शंस में है ईपीग्राम। ईपीग्राम यानी होता है शुक्ति या चुटकुला। नेक्स्ट है ईपीटाफ, समाधि में जो लेख लिखते हैं उसे कहते हैं ईपीटाफ। नेक्स्ट है एपिक्योर। एपिक्योर यानी होता है चटोरा या स्वादालु व्यक्ति जिसे कहते हैं। तो यहीं तक था हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।